हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टू तो द पॉइंट में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है और इंडिया में एनिमी प्रॉपर्टी को जो है आ, किस प्रावधान के तहत तक कंट्रोल किया जा सकता है या फिर एनिमी प्रॉपर्टी का होता क्या है इंडिया में इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो सबसे पहले आइए थोड़ा बहुत जानते हैं कि दरअसल एनिमी प्रॉपर्टी कहते किसे हैं वेन नेशन्स गो टू वॉर दे ऑफन सीज द प्रॉपर्टीज इन देयर कंट्रीज ऑफ द सिटीजन एंड कॉरपोरेशन ऑफ एनिमी कंट्री मान लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है और जब वॉर चल रहा है दोनों का मान लेते हैं कि चंद पाकिस्तानी जो है वो इंडिया में रिसाइड कर रहे थे बिज़नेस वगैरह के लिए और उन्होंने चंद प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ख़रीदे हुए थे और जब वॉर यहाँ पर आता है तो जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन्स के जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो इंडियन गवर्नमेंट सीज़ कर देगी और उसी तरीके से पाकिस्तान में जितने भी इंडियंस हैं और उनकी प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसे सीज़ कर देगी

वो पाकिस्तान में रहकर भी इंडिया में इन्वेस्ट वगैरह कर सकता है प्रॉपर्टी वगैरह में या फिर डायरेक्टली खरीद सकता है या फिर किसी आ, किसी प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके भी वो प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकता है तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन में भी या फिर ऐसे सिचुएशन में भी भारत सरकार उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है तो इस तरीके के सीजर को या फिर उस तरीके के सीज की हुई प्रॉपर्टी को एलियन प्रॉपर्टी या फिर एनिमी प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है ड्यूरिंग इंडिया चाइना वॉर इन 1962 सिक्सटी टू एंड इंडिया पाकिस्तान वॉर नाइनटीन सिक्सटी फाइव एंड नाइनटीन सेवेंटी वन जिसे बांग्ला लिबरेशन वॉर भी कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट टू कवर प्रॉपर्टीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान इन इंडिया अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट तो स्पेसिफिकली इंडिया की सरकार भारत की सरकार अनाउंस करती है कि कब किस कंट्री के साथ वॉर हो रहा है और कब किस कंट्री के सिटीजन्स के प्रॉपर्टीज को जो है सीज किया जाएगा तो फिलहाल के लिए चाइना और पाकिस्तान के जितने भी सिटीजेंस या फिर उन कंट्रीज के जितने भी प्रॉपर्टीज हमारे कंट्री में है उन सभी को सीज किया गया है अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट द रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनमी प्रॉपर्टीज वॉज हैंडेड ओवर टू कस्टोडियन ऑफ एनमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया एन ऑफिस अंडर द सेंट्रल गमेंट स्पेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऑफिस बनाई गई थी सीई पी आई से कहते हैं कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया तो जितने भी प्रॉपर्टीज हैं पूरे देशभर में जो कोई भी एनिमी के रिलेटेड है वो सभी के कस्टोडियन इसी के हाथ में होते हैं और सीई पी आई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के नीचे जो है वो काम करता है फर द एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट नाइनटीन सिक्सटी एट डिफाइंस एनिमी एज अ कंट्री एंड इट्स ए सिटीजन दैट कमिटेड एक्सटर्नल अग्रेशन अगेंस्ट इंडिया दट इज चाइना एंड पाकिस्तान तो बहुत ही लेटेस्ट है ये जैसे कि हमने कहा कि इंदिरा गांधी जी की सरकार में जो है इस एक्ट को पास किया गया था नाइनटीन सिक्सटी एट में तो जो कोई भी जो कंट्री है या फिर उसके सिटीजन्स हैं जिसके जिन्होंने इंडिया के खिलाफ अग्रेशन किया हुआ है या फिर वॉर पर हैं तो वो हमारे एनिमीज होंगे उनकी प्रॉपर्टी हमारे कंट्री में एनिमी प्रॉपर्टी होगी The expanded definition of the term enemy subject and enemy firm under Enemy Property Amendment and Validation Act 2017 include the legal heir and successors of an enemy whether a citizen of India or a citizen of a country which is not an enemy and the succeeding firm of an enemy firm इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ऑफ ऑफ इट्स मेंबर्स और पार्टनर्स अब तो हाल ही में अमेंडमेंट भी किया गया था ऐसे एवेनिमी प्रॉपर्टीज अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट टू सेवेंटीन के तहत कि भाई डायरेक्टली सिटीजन की ही जरूरत नहीं है जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करके भी अब इंडिया में प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते आ, या फिर जो है अपने मान लेते हैं कि पाकिस्तानी सिटीजन है जिसने आ, इंडियन के फॉर्म में जो है थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस तरीके के फॉर्म्स में भी जो है गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टीज को सीज कर सकती है और जो भी लीगल एयर्स वगैरह होते हैं मान लेते हैं कि पार्टीशन के पहले चंद लोग वहां पर रुक गए थे लेकिन उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके रिश्तेदार वगैरह जो आज भी इंडिया में हैं तो वो जो है लीगल एयर्स की तरह अपने आप को क्लेम करते हैं क्योंकि उनके दादा पर दादा जो थे वो माइग्रेट कर चुके थे और उनकी जो जमीन यहां पर बच चुकी थी वो उनकी होगी तो उस पर भी जो है रिसेंटली अमेंडमेंट के साथ सीजर लगा दिया गया है यानी कि भारत सरकार इस तरीके केसेज भी इस तरीके के प्रॉपर्टीज को जो भी है सीज कर सकती है तो इस तरीके से इर ऑफ नेशनलिटी मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी मैंने कहा कि पाकिस्तानी सिटीजन है इंडिया uh, के एक फर्म में जो है वो इनडायरेक्टली यू नो वो डोनेट कर रहा है या फिर इनडायरेक्टली उसमें उसके स्टेक्स हैं किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके किसी अदर नेशनैलिटी के पर्सन का इस्तेमाल करके वो इंडिया वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है तो इस तरीके के फर्म्स पर भी जो है सीजर लगाया जाएगा इस तरीके के फर्म्स के जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर भी जो है सीजर किया जाएगा इट प्रोहिबिट्स इंडियन लीगल एयर इनहेरिटिंग एनिमी प्रॉपर्टी एंड ब्रिंग्स विद इन डेफिनेशन ऑफ एनिमी जो कोई भी लीगल एयर है उनके इंडिया में जैसे कि अभी बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया कि पार्टीशन के बाद चंद लोग बच गए थे तो वो अपने आप को लीगल एयर की तरह क्लेम नहीं कर सकते अगर वो एनिमी प्रॉपर्टी है तो जाहिर सी बात है कि सीईपीए है जो है वो लीगल कस्टोडियन होगा इन एनिमी प्रॉपर्टीज का फर्दर सी ई पी ए यानी कि कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज़ फॉर इंडिया विद अ प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्पोज और सेल एनिमी प्रॉपर्टीज़ तो वो पूरा लीगल जो कोई भी इनरिटेंस है वो सी ई पी ए लेता है या तो उस प्रॉपर्टी को बर्बाद की जाती है यानी कि उसको डिस्पोज किया जा सकता है या फिर उसे बेचा भी जा सकता है यानी कि सोल राइट्स अब इंडिया के होंगे एनिमी या फिर एनिमी के लीगल एयर्स वगैरह के नहीं होंगे से सिविल कोर्ट्स एंड अदर अथॉरिटीज़ फ्रॉम हियरिंग सर्टेन डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू एनिमी प्रॉपर्टी तो कोई भी सिविल uh, कोर्ट जो है या फिर कोई भी अल, अलग जो अथॉरिटीज होते हैं वो एनिमी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी पिटिशन उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते ये थी चंद बातें आपको जान्य थी एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो